आप सबके मन में ये सवाल तो आता ही होगा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पहले हम किस तरह दिखाई देते थे, हमारी संस्कृति सभ्यताएं कैसी थी। इन सब बातों के लिए दुनिया के अनेकों वैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरीज दी है और उन सबको मिलाकर बनती है हमारी हिस्ट्री। हाय गाइस, दिस इज RRI लर्निंग और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले लेमूर जैसे दिखने वाले प्राणी जो पेड़ों पर रहते थे, वातावरण में अनेक परिवर्तन होने के कारण सारे पेड़ों का विनाश हो गया या तो वो नष्ट हो गए और मजबूरी में इन प्राणियों को पेड़ छोड़कर जमीन पर और घास वाले प्रदेशों में आना पड़ा। लगभग 2.5 करोड़ साल में इनकी हड्डियों में और इनके शरीर में बहुत बदलाव आए और ये प्राणी सीधे खड़े होने में सक्षम हो गए। अगले 3 करोड़ साल में इन्होंने सीधे खड़े रहना, पैरों पर चलना और हाथों का उपयोग करना सीख लिया था। दोस्तों, प्राचीन मानव का जो सबसे पुराना कंकाल या सबूत मान सकते हैं जो मिला है, वो है दक्षिण अफ्रीका के रामापिथेकस का, जो करीब करीब 1 करोड़ वर्ष पुराना है। उसके बाद आज से करीब 20 लाख साल पहले मानव शरीर में उत्क्रांति हुई और वो पर्यावरण के अनुकूल ढलने लगा। उसके मस्तिष्क में भी बदलाव आने शुरू हो गए हैं। यहाँ आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हमारे मस्तिष्क का विकास करोड़ों सालों में हुआ और हम मस्तिष्क का उपयोग अधिक से अधिक करते गए और हम सीख कर बुद्धिमान होते गए। उत्क्रांति और मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि होते होते आज से 50,000 साल पहले बुद्धिमान मानवों का उदय हो गया, जिनको होमो सेपियन क्लास कहा गया और जिन ये कुछ जगहों पर पाए गए थे, इसलिए इनका नाम नियंडरथल मानव भी है। ये मानव बहुत ही बुद्धिमान थे, इनकी बौद्धिक क्षमता में भी बंदरों की तुलना में काफ़ी विकास हुआ। अग्नि का आविष्कार होने के कारण मानव का जीवन आसान होने लगा। अब वह इधर उधर भटक कर नहीं बल्कि एक जगह पर रहकर जीना सीखने लगा। उसने जानवर पाले, खेती की और भोजन को पकाकर खाने लगा। धीरे धीरे उसने बस्तियां बसाई और वह परिवार और परिवार के अंदर सारे रिश्ते नातों को बनाने लगा। आज से 7,000 साल पहले मनुष्य ने अपना पेट भरने के बाद आनंद के लिए संगीत की रचना की और लिखने के कला को उसने खोज निकाला। धीरे धीरे वह पेंटिंग्स बनाने लगा और अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वह पत्थरों पर, पेड़ों पर, दीवारों पर, गुफाओं में लिखकर और चित्रकला बनाकर प्रदर्शित करने लगा। इस तरह धीरे धीरे हमारे इतिहास की नींव रखी जाने लगी और इस तरह आधुनिक मानव अस्तित्व में आया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा और मनुष्य का इतिहास। हमने इसमें समझा कि मानव ने यहाँ तक की अपनी यात्रा कैसे पूरी की। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।